हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ टेक्निकल भोपाल यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं सिट्रॉइन की बसॉल्ट का, जिसके अंदर हमको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। और आज हम आपके साथ में इसका इन डेप्थ फुल रिव्यू शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम आपको इसका एक्सटीरियर, इंजन, इंटीरियर दिखाने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द की इटसेल्फ। सो यहाँ पर हमको इस टाइप की मिलती है, लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, ये फ्लिप की है, और पीछे हमको यहाँ पर सिट्रॉइन का लोगो मिल जाता है। सो इस टाइप की एक फ्लिप की मिलती है और एक सेकेंडरी की मिलती है, जो कि हमारी फिजिकल की होने वाली है। तो इस टाइप की रहेगी, ये नॉर्मल फिजिकल की है। सो कभी अगर ज़रूरत वगैरह पड़े, बैटरी वगैरह इसकी डाउन हो जाए, सो आप नॉर्मली ये जो दूसरी की है इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो लॉक हो जाती है इस टाइप से, और अनलॉक पे जो हमारे ORVM से वो यहाँ पर अनफोल्ड हो चुके हैं। सो अब गाड़ी के बारे में बात करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द फ्रंट। सो यहाँ पर हमको ये टिपिकल डिज़ाइन मिलती है सिट्रॉइन की, सिट्रॉइन का लोगो मिल जाता है, जिसमें हमको क्रोम के इंसर्ट्स मिलते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर है DRL प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं विथ LED। इसके साथ में यहाँ पर हमको फॉग लैम्प्स भी कंपनी ऑफर करती है हेलोजन बेस्ड में। ग्रिल काफ़ी अच्छी है, पियानो ब्लैक इंसर्ट्स दिए हुए हैं। सो काफ़ी अच्छा लुक आता है गाड़ी का, और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कलर आपको कैसा लग रहा है। पर्सनली मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये रेड कलर, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि कलर कैसा है। प्लस ये ड्यूल टोन है ना, सो काफ़ी अच्छी लग रही है गाड़ी। रूफ आपको ब्लैक में मिलेगी, ये चेक कर सकते हैं आप। सो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी ORVMs भी आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में मिलने वाले हैं, और ब्लैक का इंसर्ट यहाँ पर भी है। सो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। इसके साथ में फ्रंट कुछ इस टाइप का है। नॉर्मली आपको जो सिट्रॉइन की जितनी भी गाड़ी है ना, उसमें सिमिलर लुक ही मिलते हैं, मतलब सामने से आपको सिमिलैरिटीज़ ही मिलेंगी। ये सिट्रॉइन बसॉल्ट हमको दो इंजन ऑप्शन के साथ मिलने वाली है। एक तो रहेगा 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और दूसरा रहने वाला है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन। सो ये 1.2 टर्बो है। इसकी टेस्ट ड्राइव भी हमने करी थी, वाइट कलर की सिट्रॉइन बसॉल्ट थी, जो कि पहली वीडियो है, आप आई बटन पर जाके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिफाइंड इंजन है, काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है, टॉर्की इंजन है, और आप ड्राइव करेंगे ना सो आपको बहुत अच्छी फील आने वाली है। सो ये भी वही इंजन ऑप्शन के साथ में 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है इसके अंदर, जो काफ़ी अच्छा पंच देता है, और 6 स्पीड का हमको पूरा जो गियरबॉक्स सिस्टम है वो मिलता है। सो अंदर भी लेकर चलूँगा, बट सबसे पहले तो हम जो साइड व्यू है उसको भी दिखा देते हैं आपको। सो साइड व्यू से आप चेक कर सकते हैं, कूपे SUV है ये। अभी मार्केट के अंदर ना इसकी कॉम्पिटिटर टाटा कर्व है। सो प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ ना, सो जो इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस है वो है 7.99 लाख रुपीज़। तो यहाँ पर सिट्रॉइन बहुत बढ़िया तरीके से खेल चुकी है, और इसके डबल प्राइस में ही हमको टाटा कर्व देखने को मिलती है। बट यहाँ पर उसके आधे रेट में 8 लाख रुपये में ही हमको जो सिट्रॉइन बसॉल्ट है वो देखने को मिलती है विथ प्रीमियम फीचर्स। जी हाँ, तो अभी तो हम यहाँ पर इसका मैक्स वाला मॉडल देख रहे हैं, जो कि अराउंड 15-16 लाख रुपीज़ के अराउंड ही आएगा। बट यहाँ पर जो फीचर्स हैं, क्या क्या मिलते हैं आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। अब व्हील्स की बात करें, सो यहाँ पर हमको ये मिलते हैं व्हील 16 इंचज में, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी लुकिंग और प्रेजेंस देते हैं। डायमंड कट अलॉय है। टायर साइज़ की बात करें, सो 205/60R16 इंचज़ का हमको टायर साइज़ मिलेगा विथ C8 टायर्स। फ्रंट में हमको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, वहीं हमको पीछे ड्रम ब्रेक कंपनी ऑफर करती है, ये आप चेक कर सकते हैं। ये है ड्रम ब्रेक, और पीछे भी सेम प्रोफाइल मिलती है। बूट स्पेस यहाँ पर हमको 470 लीटर्स का मिलने वाला है। बूट भी मैं आपको चेक कराऊंगा, बट उससे पहले जो यहाँ पर फ्यूल टैंक है, इसमें हमको मिलती है कैपेसिटी ऑफ 45 लीटर्स। सो काफ़ी अच्छी फ्यूल कैपेसिटी भी मिलती है। अब इसकी डिज़ाइन आप देख सकते हैं, SUV कूपे है। सो इस टाइप से ये पूरी आती है, और इस टाइप से जो इसका रियर पोर्शन है बिल्कुल स्लैंटेड वे में जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। एक काफ़ी अच्छा कर्व इसमें दिया हुआ है, ये अगर आप चेक करेंगे ना इस टाइप से। सो कंपनी ने काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग करी है इस गाड़ी के ऊपर। से सिट्रॉइन का लोगो मिल जाएगा, बसॉल्ट की बैजिंग मिलती है, और प्योर टेक की यहाँ पर बैजिंग मिल जाएगी।
बाकी यहाँ पर दो पार्किंग सेंसर्स कंपनी ने दिए हुए हैं विथ रिवर्स कैमरा, सो रिवर्स कैमरा की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा डिफॉगर यहाँ पर हमको मिल जाएगा और रियर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ आपको जो बूट है वो भी मैं एक बार चेक करा देता हूँ कि तो यहाँ पर ये इस टाइप से पूरी ओपन हो जाती है, जो ग्लास है ये भी पूरा ऊपर तक चला जाता है और ये जो पार्सल ट्रे है उस पे हमको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, सो हम नॉर्मली जो अपना सामान वगैरह वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा 470 लीटर्स का हमको मैसिव सा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, तो ये आप चेक करेंगे ना बूट स्पेस तो काफ़ी बढ़िया है, मतलब इसमें दो लोग दो बंदे आराम से आ जाएंगे। इसके अलावा ये ना सिट्रोइन की एसेसरी भी रखी हुई है बूट मैट, पीछे आपको जो स्पीयर व्हील है वो एक बार चेक करा देता हूँ मैं। ये इसका स्पीयर व्हील है जो कि C8 का ही है और एक साइज़ छोटा है, ये 15 इंचज़ का है। तो अब मैंने आपको बाहर बाहर से तो पूरी गाड़ी का वॉक अराउंड दे दिया है, अब लेकर चलता हूँ मैं आपको इंटीरियर में। सो सेकंड रो से हम स्टार्ट करेंगे, सेकंड रो में हमको क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ मिल जाती हैं वो हम आपको दिखाते हैं। डोर हैंडल कुछ इस टाइप का है, सेकंड रो में हमको क्या फंक्शंस मिलते हैं, क्या यूटिलिटी मिलती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो सबसे पहले यहाँ पर डोर से स्टार्ट करते हैं, सो यहाँ पर डार्क एंड लाइट कलर का कॉम्बिनेशन कंपनी ने दिया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये आपको लाइट कलर मिल जाएगा, यहाँ पर डार्क कलर है प्लस सॉफ्ट टच फिनिश है यहाँ पर। ये हमको वाटर बॉटल होल्डर मिल जाएगा। प्लस सीट्स की बात करते हैं भाई, यहाँ पर जो सीट के अंदर एक फंक्शन दिया हुआ है ना वो आपको सेगमेंट में किसी और कार के अंदर मिलेगा ही नहीं, यहाँ पर हमको थाई एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। सो ये आप चेक करो, अभी है ना बिल्कुल जीरो लेवल पे, ये इसका लेवल 1 है, ये इसका लेवल 2 है। तो अक्सर क्या होता है ना लॉन्ग जर्नीज पे जब भी हम जाते हैं ना गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, सो जो थाई के नीचे जो सपोर्ट नहीं मिलता है ना हमको गाड़ी के अंदर, सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा कहीं कहीं पे ना मिस आउट हम कर जाते हैं। बट सिट्रोइन की बसल्ट अगर आपके पास में रहेगी ना सो आप ये चीज़ नहीं मिस करेंगे, इस टाइप से आप एडजस्ट कर सकते हैं और थाई का जितना भी सपोर्ट आपको चाहिए ना उस हिसाब से आप अपनी जो थाई सपोर्ट है वो दे सकते हैं। और इस टाइप से जो आपकी थाईज़ हैं वो यहाँ पर लेवल 3 पर रेस्ट करेंगी अपने अकॉर्डिंगली। सो ये काफ़ी अच्छी फंक्शनैलिटी कंपनी ने दी है और दूसरी जगह भी यही ऑप्शन आपको मिल जाता है जो कि इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा खास बनाता है। प्लस रियर एसी वेंट यहाँ पर मिल जाएगा और Type A के 2 पोर्ट हमको यहाँ पर मिल जाएंगे जिससे हम मोबाइल वगैरह अपना चार्ज इजीली कर सकते हैं। अब लेकर चलते हैं हम आपको ड्राइवर सीट की तरफ। सो ये हमारा मेन कॉकपिट एरिया है, सबसे पहले यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको डोर, डार्क एंड लाइट का कॉम्बिनेशन है, ऑल 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक का जो भी लीवर वगैरह वो यहाँ पर दिया हुआ है, वाटर बॉटल होल्डर यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस छोटा सा स्पेस है तो एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज यहाँ पर हमको मिल जाता है। इसके अलावा स्पीकर ग्रिल यहाँ पर दी हुई है, देखेंगे आप यहाँ पर, सो काफ़ी अच्छा स्पेस हमको मिल जाता है यहाँ पर भी। और सीट्स की बात करें तो सीट एडजस्टमेंट हमको मैनुअल मिल जाते हैं, हाइट एडजस्टमेंट भी है यहाँ पर। सो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी को कर दिया हमने क्लोज़, NVH भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर और सिटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है, बिकॉज पीछे तो मैंने आपको दिखाया है ना जो थाई सपोर्ट का एडजस्टमेंट है वो दिया हुआ है, बट इसमें ना आपको सीट के अंदर जो यहाँ पर स्पेस मिलता है ना यहाँ से लेके ये आप देखो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, सो आराम से आपकी जो थाइज़ हैं वो प्रॉपरली यहाँ पर रेस्ट करेंगी। और ये चीज़ मैंने सिट्रोइन की हर गाड़ी के अंदर नोटिस करी है कि ड्राइवर सीट को ड्राइवर सीट और रियर पैसेंजर सीट्स का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखते हैं सिट्रोइन वाले और काफ़ी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं अपनी गाड़ियों के अंदर। ये गाड़ी की है, यहाँ पर हमको करना है इंसर्ट, वही टिपिकल एरिया है जहाँ पर इंसर्ट करने का ऑप्शन रहता है, सिट्रोइन का लोगो आ चुका है यहाँ पर और यहाँ पर हमको मिल जाती है स्क्रीन जिसके अंदर हमको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर एसी वेंट्स हैं, ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पर दी हुई है, वहाँ पर भी आपको ट्विटर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। एसी वेंट का डिज़ाइन भी सेम है जैसा हमने सिट्रोइन की और कार्स में देखा है। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मॉल साइज का है तो इससे क्या है ना स्पोर्ट्स वाली फीलिंग भी आती है, मतलब आपने देखी होगी जितनी महंगी कार्स होती है ना उसके स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, सो क्या होता है ना ड्राइविंग कंफर्ट छोटे स्टीयरिंग में ही काफ़ी अच्छा आता है, ज़्यादा बड़ा स्टीयरिंग होता है ना सो गाड़ी को मोड़ने वगैरह में भी दिक्कत आती है, बट छोटे स्टीयरिंग की यही खास बात होती है कि आराम से आप इस गाड़ी को क्रूज़ कर सकते हैं अपनी टॉप स्पीड्स के अंदर और स्टीयरिंग की जो स्टेबिलिटी रहती है ना वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा स्टीयरिंग पे हमको बेसिक यूटिलिटी फीचर्स जैसे कि स्टीयरिंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर हमको MID कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ये इसकी MID स्क्रीन है जिसके अंदर हमको मल्टीपल इंफॉर्मेशन डाटा शो होता है और डिजिटल स्क्रीन है काफ़ी अच्छी है, एवरेज वगैरह ये बता देता है। और गाड़ी के अंदर टर्बो इंजन है तो आपको जो पावर है वो काफ़ी अच्छी मिलने वाली है, अगर आपने इसका पावर टेस्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं भाई, उसमें भी हमने इसको भगाया था ना भाई, काफ़ी अच्छी भगी थी ये गाड़ी। एसी वेंट सेंटर के भी काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस्ड हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर हमको मिल जाता है, प्लस मैक्स कूल का भी फीचर इसके अंदर आता है जो हमने टाटा कार्स के अंदर देखा है, सो वो फीचर हमको यहाँ पर मिल जाता है। 12 वॉट का सिगरेट लाइटर पोर्ट मिलता है, Type A का सपोर्ट है, मोबाइल वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं, नीचे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, 2 कप होल्डर यहाँ पर मिल जाते हैं और सबसे अच्छी मेन चीज़ यहाँ पर हमको 6 स्पीड का गेयर बॉक्स मिल जाता है।
रिवर्स गियर में यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, ये लगा दिया हमने रिवर्स गियर। सो ये आप चेक कर सकते हैं, इसके रिवर्स कैमरा की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर हमको जो रियर पार्किंग सेंसर्स हैं उनका भी ऑप्शन यहाँ पर कंपनी ने दिया है। सो दो पार्किंग सेंसर साथ में जो कि इनफ है। इसके अलावा ग्लोव बॉक्स आपको दिखाता हूँ, ये आप चेक करिए, अभी आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा छोटा ग्लोव बॉक्स है, बट जस्ट अ सेकेंड, ये अब आप देखिए काफ़ी अच्छा डिसेंट स्पेस यहाँ पर हमको मिल जाता है। ऐसे में नहीं दिख रहा होगा आपको, ऐसे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर भी छोटा सा स्पेस दिया हुआ है, बट यहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह नहीं रख सकते हैं। एक बार मैं आपको रख कर दिखा देता हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाए। ये देखो मतलब गिरने के चांसेस रहेंगे, प्रॉपर नहीं रखा रहा, मतलब एक डिज़ाइन एलिमेंट कंपनी ने दिया है। इसके अलावा यहाँ पर हमको डे नाइट आई आर भी मिल जाता है, सनशेड हमको इस टाइप से मिल जाते हैं नॉर्मली, और यहाँ पर हमको ग्रैब हैंडल यहाँ पर मिल जाता है को ड्राइवर और रियर पैसेंजर्स के लिए, प्लस लाइट यहाँ पर ये हमको मिलती है रियर पैसेंजर्स के लिए, और फ्रंट ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर हमको ओ आर बी एम के कंट्रोल्स मिलते हैं, यहाँ से हम रियर विंडोज़ का जो अप एंड डाउन का फीचर है उसको ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आइडल स्टार्ट स्टॉप का फंक्शन दिया हुआ है। इसके अलावा हेडलाइट लेवलर यहाँ पर टिपिकल पोजीशन पे दिया हुआ है, जहाँ पर सिट्रोएन की हर गाड़ी के अंदर हेडलाइट लेवलर आता है। अब यहाँ पर अगर बात करें इसके वाइपर्स और इंडिकेटर लाइट के कंट्रोल की, सो यहाँ पर हमको लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पर हमको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं। इसके अलावा जो स्टीयरिंग व्हील है उसको हम इस टाइप से एडजस्ट कर सकते हैं टिल्ट वाइज, टेलीस्कोपिक फीचर इसके अंदर कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है। यह है इसका आर्मरेस्ट जिसके अंदर हमको डिसेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज मिल जाता है। यह है इसका हैंड ब्रेक और कॉकपिट काफ़ी अच्छा है। सो मेरे हिसाब से भाई गाड़ी जिस प्राइस रेंज के अंदर आ रही है वो डेफिनेटली वर्थ इट है। सो इसी के साथ में गाइज ये थी सिट्रोइन बसॉल्ट जो कि काफ़ी अच्छे एग्रेसिव प्राइस के साथ में आती है। अगर आपको कुछ और डिटेल्स चाहिए हो इसकी सो डेफिनेटली आप दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और डिस्प्ले पर भी आपको नज़र आ जाएगा। आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करिए और सारी डिटेल्स लीजिए, और अगर आपको सिट्रोइन का कोई और प्रोडक्ट भी देखना है तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ गाइज वीडियो को लाइक करें, हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, और हम आपसे मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ में। बाय बाय।